नाम मनोरमा बी अग्रवाल, बॉम्बे से आए हैं और मेरी उम्र 75 है और मेरे को 6 बच्चे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और जो मैं मेडिकल लेती थी वो मेरा पूरा बंद हो गया। मैं ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेती थी, 40 mg की एक सुबह लेती थी, थायराइड की लेती थी, शाम को लेती थी और शाम को भी गोली लेती थी। चारों गोलियाँ बंद कर दी मैंने। मुझे इतना अच्छा योगा, खाना पीना हर चीज़ बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि और एक बार और आना चाहिए। बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा लगा मुझे कि कोई को यहाँ पर मैंने गुस्से का तो देखा ही नहीं पाता, पर इतना प्यारा लगा। किसी को भी मैं बोला भाई मुझे पानी चाहिए या चाय चाहिए, उसी टाइम मुझे उन्होंने दिया है। बहुत बढ़िया। और खाना तो इतना बढ़िया कि आपको मैं उसका बयान नहीं कर सकती। एक मीना जी है और राधे श्याम जी हैं, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। इतने अच्छे हैं कि ऐसा लगेगा कि आपको कि जाने का मन ही नहीं करेगा कि अपन जाएं यहाँ से। ऐसा लगेगा बार बार आना 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 है। हाँ, मैंने कहा कि मेरे बेटे ने मेरे को दिवाली का ये बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। इतना अच्छा लगा, मेरे को मालूम भी नहीं था कि जो मेरे को यहाँ लेके आएगा। खाली मुझे बोला माँ चलना है, मैं आ गई। मैं सोच रही थी कैसे जाएंगे क्या करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बेटे बहू ने मुझे दिवाली का गिफ्ट इतना बढ़िया दिया कि कुछ का मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत आशीर्वाद दिल से निकला है। 4 दिन रही हूँ मैं यहाँ पर और योगा किया है, गाने गाए हैं, भजन गाए हैं और घूमने गए हैं। ये सब बहुत अच्छे से हुआ। नदी पे लेके गए हैं, नदी पे बहुत अच्छा लगा। सब दूर लेके गए, बहुत अच्छा लगा। कल सुबह नाश्ता किया था और दोपहर में फल खाए थे और शाम को फिर फली खाई थी और शाम रात को भी फल खाए थे, डिनर में भी फल खाए थे। संघ पहुँचाले मुझे नाम नहीं मालूम था। हाँ, गर्म पानी पिया और उससे बहुत फायदा हुआ। उससे पूरा पेट एकदम मेरा पूरा क्लीन हो गया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने एनिमा दिया हो मुझे। इतना अच्छा लगा, पूरा पेट की गंदगी निकल गई पूरी। यहाँ आए सर कि नेचर के हिसाब से, नेचर, क्लाइमेट, योगा, रिफ्रेशमेंट जो भी था वो सब बहुत बढ़िया लगा। और उसके बाद नदी, गुरु जी का और मिनल चौधरी जी का बहुत बहुत योगा सीखा हम लोगों। ऐसा हमको लगा ही नहीं कि हम घर के बाहर कहीं घूमने गए हैं या कहीं हैं। हमको ऐसा लगा कि हम घर में ही हैं सब। और बिल्कुल घर सरी का एटमॉस्फेयर, घर सरी का ही फूड, घर सरी का ही रहना, ये सब बहुत अच्छा लगा सर। मेरे को तो यहाँ का जो क्लाइमेट है मैं उससे इतनी मतलब अच्छा लगा, इतनी मतलब मेरे को मन में खुशी हुई कि ऐसा लगा काफी दिनों के बाद में हम घर से बाहर निकले। लेकिन घर में ही है अभी। और घर में ही है, ऐसे लग रहा है कि हम इंदौर के बाजू में नहीं है, कुछ आउटसाइड उत्तराखंड साइड में हम आ गए हैं। बहुत बढ़िया क्लाइमेट है, वो पूरा चेंज हो गया। 3-4 दिन में अपने आप को पूरा चेंज हो गया। योग किया, फ्रूट आहार लिया, हर तरीके से हमको बहुत सेटिस्फेक्शन मिल के हम अभी और नेक्स्ट टाइम आने की सोच रहे हैं। मैं राजेंद्र कुमार जैन, मेरी धर्मपत्नी वीणा जैन, मैं हम लोग भोपाल से पधारे हुए हैं और मेरी लड़की ने मेरे को इस आश्रम में भेजा है। और इस आश्रम में मैं मतलब इतना आनंदित हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं अपने घर को भूल गया। घर क्या, यहाँ तो स्वर्ग है। और ये जगह मेरे को ऐसी लगी जैसे मैं हरिद्वार में आ गया और यहाँ मेरे को पूरा योगा सिखाया गया और पूरे शरीर को हल्का किया गया। आज सवेरे मेरे साथ उनने वो कौन सी क्रिया करी, संख क्रिया, संख अभिषेक किया, उसमें मैंने पानी पिया और मेरा पूरा शरीर अंदर साफ हो गया और मुझे इतनी खुशी हुई है बता नहीं सकता हूँ। मैंने यहाँ के लिए अपने आप को समर्पित करने का फैसला कर लिया। यहाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 100 फ्लैट बने योगा बुजुर्ग आश्रम, ताकि हम जहाँ हमेशा के लिए रह सकें। ये मैंने अपने अंदर प्रण कर लिया है। अब कब साकार होगा, ऊपर वाला कब करेगा, ये हमारे मीनल जी और हमारे राधे श्याम जी के ऊपर है। हैं, इन लोगों ने हमको ऐसा साथ दिया। हम कई तीर्थ जाते हैं, वहाँ इतना मज़ा नहीं आता जो मज़ा हमको जहाँ आया। हम दोनों पति पत्नी मतलब काफ़ी भावुक हैं इसको देख के। मेरा नाम सुरेश चंद जैन है,
मैं UPSEB में इंजीनियर था, सन 2002 में रिटायर हुआ हूँ। इसके बाद जो है मुझे अचानक मेरे बच्चे ने बताया कि इधर सत्यधारा योगा लाइफ आश्रम है, उसमें जो है 4 दिन का कैंप लग रहा है, तो वो पहले अटेंड कर गया था, उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने हमारा भी बुकिंग करवा दी। मैं आया तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ का वातावरण अच्छा है और यहाँ पर जो गुरुजी हैं उनका और जो साथ में हैं उनकी सब लोगों का जी बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा। सबको ऐसा लगता था, हर एक को ऐसा लगता था कि ये हम ही को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही हमारी ही तरफ ध्यान दिया हो, इन्होंने सबको ध्यान दिया और सबको ऐसा लगा, फील हुआ कि हमसे ही ज़्यादा अटैचमेंट है इनका। और मेरी पत्नी भी साथ आई हैं, एक बच्चा और नाती भी साथ आया हुआ है, कि सब लोग जो है बहुत ही इंजॉय किया 4 दिन। फिर कभी मौका लगा तो ज़रूर यहाँ आऊँगा। मैं NS निर्वाण, मेरी धर्मपत्नी सरोज निर्वाण, हम लोग जॉइंटली यहाँ 4 दिन के प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात तो ये 4 की योग क्रिया और वो सब जो थी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें और शरीर के लिए बहुत अच्छा रहा। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक लगे रहते हैं और ऐसा लगता है कि बिल्कुल घर जैसा ही है, लेकिन बाहर का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ का एटमोसफियर बहुत अच्छा है और हमें बहुत अच्छा लगा। और ये हम पहली विजिट थी, लेकिन अब हम वादा करते हैं कि यहाँ साल में 2-3 विजिट अवश्य करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का सानिध्य बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, बहुत हेल्पफुल नेचर, बहुत स्माइलिंग, वो ये सब बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत खुश होकर जाती हूँ, दोबारा आऊँगी। तो मैं डॉक्टर अमित निर्वाण, एंड पेरेंट्स बहुत हैप्पी, बहुत खुश लग रहे हैं, सो एक्साइटेड। मोस्टली फिर अगेन आएंगे जब भी इनको मौका मिलेगा, प्रेस वी विल आल्सो कम समडे सून। मैं श्रवण गुप्ता, इस आश्रम में आके हमको ऐसा लगा कि जैसे वी आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, एंड वी थैंक यू सो मच फॉर बिग कोऑपरेशन दैट वी रिसीव्ड फ्रॉम एवरीबॉडी हियर। थैंक यू। जिंदगी में पहली बार अगर लगा है कि हाँ जगह है तो ये है, क्या स्वर कहाँ है तो यहाँ है। सच में 4 दिन में इतना अपनापन मिला है, अपनापन मिला है, सबसे बड़ी बात तो योग भी मिला है, सब कुछ मिला है, लेकिन जो अपनापन आप लोगों से मिला है, ऐसे लगा किसी फैमिली में आए, वो लोग हमको घुमा रहे हैं, ले जा रहे हैं, खिला पिला रहे हैं। मैं रमेश चंद गुप्ता। ओके, आपका नाम क्या है? मैं निशा गुप्ता। मुझे इधर योगाश्रम में आके इतना अच्छा लगा, शरीर वाइज भी और व्यवहार, गुरुजी और मीनल जी ने हम लोगों को बिल्कुल फैमिली जैसा टच मिला, और एक दो साइड सीन भी देखने को मिले और कई नेति सीखी, वो सब मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। सर, हमें इस रिसोर्ट में आके ऐसा एक्सपीरियंस मिला है जैसे ये हमारा सेकेंड हाउस है, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं एक सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस के हिसाब से कुछ ना कुछ व्यवस्था कीजिए, दोबारा आएंगे हम। परम पिता परमेश्वर का कोई अनुकंपा थी हमारे ऊपर कि हमको ये 4 दिन का अवसर मिला। यहाँ पर हमने ईश्वर मनन, मन को साधना, सूर्य साधना की आराधना हमने की, स्ट्रेच की एक्सरसाइज हमने की, 11 योग हमने सीखे और शरीर की शुद्धि हमने की। यहाँ पे गुरुजी राधेश्याम जी और बिनल ने जो हमारे को ऊपर स्नेह दिया, उसको हम किन्हीं शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये योग आश्रम ऊंचाइयां छुए और दूर दूर से लोग यहाँ पे अपने आप को भगवान से जोड़ने के लिए आए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये स्नेह दिया और अपना पर्सनल समय हमको दे के अनुकंपित किया। मैं उषा माथुर, मेरे को यहाँ के ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में पहुँच गई हूँ, और इतना अच्छा लगा, सबका स्नेह, सबका प्यार यहाँ आके। और योग तो मैंने पहले बार इतना अच्छा सीखा, जो आगे भी मैं हमेशा करती रहूँगी और गुरुजी को और मिनरल को याद करती रहूँगी।